हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माय 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इसमें आप आईडी कैसे बनाओगे, इसमें कैसे खेलोगे और अभी जो सीपीएल चल रहा है, सीपीएल में 1 करोड़ तक आप कैसे जीतोगे, सब कुछ हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो माय 11 सर्कल एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे एक फैंटेसी साइट है। अभी तक आपने खेलना शुरू नहीं किया हो तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये एप्लीकेशन खेलना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक फैंटेसी साइट। इसमें आप कंपटीशन लेवल बहुत ही कम मिलेगा और बहुत ही अच्छे एक साइट है। आप यहाँ पर अगर एक बार खेलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये साइट कितना कमाल का है। तो हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओ, वहाँ से जाके हमारे लिंक पे क्लिक कर दो और माय 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप कैसे आईडी बनाओगे वो मैं अभी दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि अभी जो सीपीएल चल रहा है, इन सीपीएल में आप कैसे 1 करोड़ तक जीत सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप नए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद उसी ऐप को जब ओपन करोगे तो आपके सामने इसी तरह के ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक के ऑप्शन, लॉगिन के ऑप्शन और तीसरी रजिस्टर के ऑप्शन। तो आप नया आईडी बनाओगे तो इसीलिए आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 3 स्टेप है, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला वाला आप देख सकते हो यूजर नेम, जो कि 4 से 12 कैरेक्टर के अंदर आप कोई भी यूजर नेम डाल दो। उसके बाद आप जो पासवर्ड देना चाहते हो पासवर्ड यहाँ पे डाल दो और आपका ईमेल आईडी। ये 3 चीज़ देने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो रजिस्टर फॉर फ्री, आप यहाँ पे जाके सीधा रजिस्टर कर सकते हो। और एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे KYC करना पड़ेगा और एक आपको एड्रेस, फुल एड्रेस और आपका नाम देना होगा। तो पहले से क्या होता है कि बहुत लोग गलती एड्रेस दे देता है, जो अपना जो पैन कार्ड या वोटर कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस नहीं देते हैं, वो नाम नहीं देते हैं, लेकिन बाद में जब KYC वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे नहीं होता है। तो आपको एक ही बार आपको मौका मिलेगा कि आपका आईडी वेरिफिकेशन करने का, और आप जो आप एड्रेस डालोगे, जो अपना नाम डालोगे और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो सेम डालना जो आपका आईडी से मैच हो। अगर किसी और का डाल दोगे तो आपका जो कि KYC वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए, आप सीधा चलते हैं माई सर्कल एप्लीकेशन में और आपको बता देते हैं कैसे आप अभी CPL में 1 करोड़ तक जीत सकते हो। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको आईडी बनाने में, KYC करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट में मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं CPL के बारे में। दोस्तों, तो अब CPL चल रहा है और CPL में जो माय 11 सर्कल ने बहुत एक अच्छा एक लीग अनाउंस किया है, जो कि आप देख सकते हो विन 1 करोड़। तो मैंने यहाँ पे विन 1 करोड़ पे जब मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट प्राइज जो यहाँ पे 1 करोड़, सेकेंड जो कि 10 लाख, थर्ड जो कि 1 लाख, इसी तरह के प्राइज आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप कैसे जीतोगे, इस लीडर बोर्ड में आप कैसे आओगे? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे आना है वो आपको अभी मैं बता देता हूँ। तो मैंने एक मैच का एक लीग मैंने वहाँ पे ओपन किया है, तो एक मेगा कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा, 49 रुपये का एक मेगा कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 30,000-35,000 टीम होती है और यहाँ पे आपको 9 टीम में पार्टिसिपेट करना होगा। आप अपना 9 टीम ग्रैंड लीग की टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो, उसके बाद 9 टीम में से आपका सबसे ज़्यादा जिस टीम की होगा उसी टीम की जो कि पॉइंट आपको हर दिन हर मैच में यहाँ पे लीडर बोर्ड पर ऐड होते जाएगा। इसी तरह से आप खेलते जाओगे और पूरी सीरीज ख़त्म होने के बाद जिसका रैंक पहले 1 पे आएगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, जिसका रैंक 2 पे आएगा उसको 10 लाख मिलेगा। इसी तरह से आपको प्राइस मिलता जाएगा। तो आपको हर दिन जो कि CPL की मैच होगा, उन CPL मैच की जो मेगा कॉन्टेस्ट, 49 रुपये की जो मेगा कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको 9 टीम आप पार्टिसिपेट कर दो। उसके बाद जो आपका टीम, जो टीम की जो पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा होगा और उसी टीम की पॉइंट आपको हर ये लीडर बोर्ड पर ऐड हो जाएगा, और उसी ऐड में आपका जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा उसी तरह से रैंक होते आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो, ग्रैंड लीग खेल सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप अच्छे से विनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद आपको
समझ में आया होगा, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको मैं समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।